हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न भारतीय न्यायपालिका से संबंधित होंगे, तो सभी UP SSC के एग्जामों और रेलवे NTPC ग्रुप डी और टेट पुलिस कांस्टेबल के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ये संसद के अनुमोदन से या राज्य विधानसभा के अनुमोदन से या सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से या राष्ट्रपति के अनुमोदन से। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सही होगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ए न्यायिक पहल द्वारा या बी संसदीय एक्ट के द्वारा या सी संवैधानिक संशोधन के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, सही होगा न्यायिक पहल द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? ए सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, या बी केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, या सी सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, सही होगा सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय या सी उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? संविधान के उल्लंघन में संरक्षण से या बी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद या सी राज्यों के परस्पर विवाद या मूल अधिकारों का प्रवर्तन। इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, सही होगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ए 32 या बी 16 या सी 56 या डी 74। इसका राइट ऑप्शन ए वाला होगा 32। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, 10 वर्ष। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद, संसद या राष्ट्रपति? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय के ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मेनका गांधी या ए के गोपालन? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, सही होगा केशवानंद भारती। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो, या भी अपनी पहल पर, या तभी जब वह इसे परामर्श के लिए कहता है, या डी नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, तभी जब वह इसे परामर्श के लिए कहता हो, सी ऑप्शन सही है। अगला, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, या सी इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत, या इसकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है? ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा या विधि आयोग द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा, संसद द्वारा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन होगा, संसद द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा, डी ऑप्शन सही होगा इसका।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन या भारतीय संविधान द्वारा, या भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा, या 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, सही होगा भारतीय संविधान द्वारा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूके में, भारत और यूके दोनों के द्वारा, या केवल यूएसए द्वारा? जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है भारत और यूएसए दोनों जगह है, सी ऑप्शन सही होगा, दोनों में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की आकस्मिकता निधि से, या भारत की आकस्मिकता निधि से, या भारत की समेकित निधि से, या राज्य की समेकित निधि से? इसका सही ऑप्शन होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, डी ऑप्शन, राज्य के समेकित निधि से। PIL है पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, या पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन? इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, ए ऑप्शन नहीं सॉरी, इसका होगा सी ऑप्शन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका सी ऑप्शन सही होगा, PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है, भारत की आकस्मिकता निधि से, या राज्य की संचित निधि से जहाँ उसने अंतिम सेवा की, या सी भारत की संचित निधि से, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, सही होगा भारत की संचित निधि से। ओके, थैंक यू।